दोस्तों आज के दौर में जब कभी भी हमारी इस दुनिया में फिलिस्तीन का जिक्र आता है तो लोग अपने अपने हिसाब से दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ईरान तो इसराइल का मुकाबला करना चाहता है लेकिन बाकी के मुस्लिम देश उसका साथ नहीं देना चाहते, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा है और ईरान तो खुद इसराइल से मिला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सऊदी अरब, दुबई और इस तरह के सारे ही अरब देशों को निशाने पर लेते हैं कि जो पिछले कुछ वक्त से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसराइल की मुखालिफत करना तो दूर की बात है बल्कि उससे अपने रिश्ते तक बना चुके हैं या फिर रिश्ते बनाने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। और वहीं कुछ लोग मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की के भी डबल स्टैंडर्ड पर उंगली उठाते हैं और कहा जाता है कि तुर्की के दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और। मगर दोस्तों आज के दौर में ये फिलिस्तीन और बाकी मुस्लिम देशों का ये पूरा मामला ऊपर ऊपर से हम लोगों को जैसा नजर आता है ये बिल्कुल वैसा तो है नहीं। अगर आप लोग फिलिस्तीन के पिछले 60 से 70 सालों के इतिहास पर अगर नजर डालोगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों का दिमाग पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा और आप लोगों का मुंह बड़ी हैरानी के साथ खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस बड़ी मुस्लिम दुनिया में फिलिस्तीन का कोई एक गद्दार नहीं है बल्कि इस हमाम में तो सारे के सारे ही नंगे बैठे हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के उस दौर की कि जब यूरोप के इलाके में ऑलरेडी ज़ायोनिज्म विचारधारा के साथ अब यहूदियों की एक लॉबी ने बड़ी तेजी के साथ फिलिस्तीन के इलाके में अपनी स्टेट बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया था। उस दौर में ये पूरा का पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया यानी के तुर्की के अंडर में आया करता था, जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, उस्मानी तुर्कों ने जितनी ज्यादा कोशिश अपनी सल्तनत के इस खास इलाके को बचाने के लिए यानी के फिलिस्तीन को बचाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश उन्होंने किसी दूसरे इलाके को बचाने के लिए नहीं की थी। खास तौर से इस सल्तनत के आखिरी असरदार और ताकतवर सुल्तान थे यानी के अब्दुल हमीद सानी, उनको तो हर तरह से पेशलराइज करने की कोशिश की गई। कभी उनको धमकाया गया तो कभी उनको बड़े बड़े लालच दिए गए, मगर किसी भी हालात में वो फिलिस्तीन की जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जब तुर्कों की ये सल्तनत खत्म हुई तो फिलिस्तीन का ये इलाका ऑटोमेटिकली ही ब्रिटिश अंपायर के अंडर में चला गया था और इस तरह से यूरोप के इलाके से बड़ी ही स्पीड के साथ यहूदियों को बुलाकर यहाँ पर आबाद करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जिस दौर में उस्मानी तुर्क जिस खास और मुकद्दस सरजमीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे और उसी दौर में ही मुस्लिम दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं यानी के अरब और ईरान, ये दोनों ही वेस्टर्न कैंप में थे। ईरान तो इसलिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर के ही इशारों पर चलता था, जबकि अरब के शरीफ मक्का को तो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लालच दे ही दिया गया था। अगर तुम ऑटोमन एम्पायर से गद्दारी करते हो, इनको तोड़ने में और इनको खत्म करने में हमारी मदद करते हो तो तुमको अरब की एक बड़ी रियासत दी जाएगी जिसमें सिर्फ आज के दौर का सऊदी अरब नहीं बल्कि इराक, सीरिया, फिलिस्तीन का पूरा इलाका, जॉर्डन, यमन यानी के पूरा अरब ही होगा। तो दोस्तों अब जाहिर है ऐसी सल्तनत को हासिल करना था तो उनका ध्यान फिलिस्तीन पर कैसे जाता, वो तो लॉरेंस ऑफ अरबिया जैसे जासूसों के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों के ही टुकड़े करने में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों अब डायरेक्ट आते हैं 1948 पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था। ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से अब इसराइल को बनाने का ऐलान कर दिया गया। अरबों के बिल्कुल सीने पर एक यहूदी स्टेट का ऐलान होना था कि मानो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अरब कंट्री ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि वेस्टर्न ताकतें उनके साथ भी ऐसा कर सकती हैं। फिलहाल फौरन अरब देशों की तरफ से उस इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी गई कि जिसके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा था। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 20 से 30 सालों के अंदर इन अलग अलग अरब देशों ने इसराइल के साथ कई जंगें लड़ी। मगर यहाँ पर एक बार फिर से नोटिस करने वाली बात तो यही है कि जब सारे अरब देशों ने अपनी इस मुकद्दस सरजमीन फिलिस्तीन के साथ बेड़ा उठाया तो बिल्कुल पहले की तरह ही मुस्लिम दुनिया की तीन बड़ी ताकतों में से दो बाकी बची हुई बड़ी ताकतें खुद अरब देशों के खिलाफ थी यानी कि इसराइल के साथ खड़ी थी, या फिर मैं आप लोगों को और आसान भाषा में बताऊं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। उन दो ताकतों में से एक तो ईरान ही खड़ा था जो जाहिर है अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में ही था,
उसकी हुकूमत भी अमेरिका के ही इशारों पर चला करती थी, जबकि दूसरा वो तुर्की था कि जब उसने किसी दौर में फिलिस्तीन को बचाने के लिए अरबों से भी कहीं ज्यादा कोशिश की थी, मगर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच ये जो पूरे 20 से 25 सालों का अरसा था, इसमें सब कुछ बदल चुका था। तुर्की के नए नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क की वजह से इतना ज्यादा सेकुलर बन चुका था कि इस्लाम से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें तो वहां पर बैन तक कर दी गई थी। इवन 1948 में जब इसराइल को बनाने का ऐलान किया गया था, तो उस वक्त तुर्की ही हमारी इस दुनिया का वो पहला मुस्लिम देश था कि जिसने इसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1979 यानी साल 1979 पर, कि जब ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ और एक क्रांति के जरिए से उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया कि जो एक लंबे वक्त से अमेरिका के अंडर में चल रहा था, यानी कि उसको अमेरिका से ही कंट्रोल किया जाता था। सेकुलर ईरान को अब एक मुस्लिम देश में बदल दिया गया, शरिया लॉ कानून लागू कर दिया गया और आयतुल्ला रूहुल्ला अल खुमैनी बने इस देश के पहले सुप्रीम लीडर। मगर साथ ही साथ इन्होंने उस पैलेस्टीनियन कोस्ट को यानी फिलिस्तीन की उस आजादी को भी अपने हाथों में ले लिया कि जिसको ऑलरेडी अरब देश छोड़ चुके थे। तो तुर्की और अरब देशों के बाद अब ये मामला ईरान के पास आया और तब से लेकर आज तक लगातार कि जब 40 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, ईरानी इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है। मगर किस्मत का सितम देखिए कि पिछली दो बार की तरह इस बार भी फिलिस्तीन के इस मैटर पर मुस्लिम दुनिया की तीन बड़ी और अहम ताकतों में से दो ताकतें बिल्कुल ईरान के अपोजिट नजर आती हैं, और इस बार वो तुर्की और ईरान की बजाय तुर्की और अरब दुनिया है। दोस्तों अब सीधा सा मतलब ये है कि पूरे इतिहास में कोई ऐसा वक्त आया ही नहीं कि जब फिलिस्तीन को मुस्लिम दुनिया का एक साथ सपोर्ट मिला हो। एक ताकत ने सपोर्ट किया तो फिर दूसरे ने छोड़ दिया, और दूसरे ने सपोर्ट किया तो फिर तीसरे ने छोड़ दिया। वैसे दोस्तों यहाँ पर अब एक बात मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि तुर्की और बाकी अरब दुनिया ईरान ने भी अभी तक फिलिस्तीन के लिए कोई डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ी है, लेकिन हाँ ईरान ने फिलिस्तीनी लोगों पर एक एहसान जरूर ऐसा किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और वो एहसान है फिलिस्तीन की आजादी की मुहिम को एक वर्ल्ड वाइड पहचान देना। दरअसल जिस दौर में अरब के देश फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ उस दौर में एक लोकल इलाके का मैटर माना जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको अरब देशों की ही लड़ाई कहा जाता था। लेकिन जब से ईरान इस मैटर को अपने हाथों में लिया है, तो जाहिर है उससे सवाल तो किया ही गया है कि भाई ये तो अरब देशों का मैटर है, तो इसमें क्यों पड़ रहे हो। तो ईरान का यही जवाब था कि मैटर तो अरब देशों का नहीं, बल्कि मैटर तो मुसलमानों का मैटर है, और हमारी ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मैटर है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिदें अक्सर मौजूद हैं जो इस्लाम में तीसरी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह मानी जाती है। तब से ही धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि चाहे हमारी इस पूरी दुनिया में कहीं पर कोई भी मैटर हो रहा हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फिलिस्तीन में कुछ भी होता है तो दुनिया के हर इलाके में रहने वाला मुसलमान फौरन खड़ा हो जाता है। अपने इसी मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए उस दौर में पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खुमैनी ने रमजान के आखिरी जुमे की, जिसको हम लोग अलविदा के नाम से भी जानते हैं, उस दिन कुछ डे मनाने का भी ऐलान किया गया। तब से लेकर आज तक जब भी रमजान का आखिरी जुमा आता है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस दिन को कुछ डे के तौर पर मनाती है। दोस्तों आप लोगों को आखिर क्या लगता है कि वाकई कभी ऐसा होता कि मुस्लिम दुनिया के तीनों ही रीजनल पावर फिलिस्तीन को लेकर अगर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो जाती, तो क्या अब भी ऐसे हालात होते जैसे आज हैं, या फिर फिलिस्तीन की तस्वीर कुछ और नजर आती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल नेटवर्क फ्लाइट को जरूर सब्सक्राइब कर दें।